Hello everyone. Today we are going to discuss about founders and pioneers in literature. Founders and pioneers in literature, ये हम MCQs वे में और वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स वे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर कोई भी UGC NET, TGT, NVS कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है इंग्लिश लिटरेचर में, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. और दिस इज़ द पार्ट 4. इसके 3 पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिए हैं, सो यू शुड ऑल्सो गो एंड शुड वॉच दोज पार्ट्स ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. हु वॉज द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नियो क्लासिक? किसको फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नियो क्लासिक बोला जाता है? बेन जॉनसन. बेन जॉनसन वॉज द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नियो क्लासिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द हाई प्रीस्ट ऑफ अ रेशनलिस्टिक एंड सोशल एज? किसको हाई प्रीस्ट ऑफ रेशनलिस्टिक एंड सोशल एज बोला जाता है? पॉप. अलेक्जेंडर पॉप को हाई प्रीस्ट ऑफ द रेशनलिस्टिक एंड सोशल एज बोला जाता है, जाने जाते हैं. यानी कि द टर्म बैथूज वॉज फर्स्ट यूज बाय, जो टर्म है बैथूज वो किसने सबसे पहले यूज़ की थी? यह यूज़ की थी अलेक्जेंडर पॉप, जिसको हम पॉप के नेम से भी जानते हैं. डॉक्टर जॉनसन फाउंडेड द लिटरेरी क्लब इन, डॉक्टर जॉनसन और बेन जॉनसन ने ये लिटरेरी क्लब फाउंड किया था, वो कब किया था फाउंड इन्होंने? 1764 में उन्होंने लिटरेरी क्लब फाउंड किया था. हु इज़ नोन एज नॉट ओनली द नॉवलिस्ट ऑफ करेक्टर बट ऑल्सो द फर्स्ट नॉवलिस्ट ऑफ फेमिनाइन करेक्टर? तो किसको द नॉवलिस्ट ऑफ करेक्टर माना जाता है और उनको नॉवलिस्ट, फर्स्ट नॉवलिस्ट ऑफ फेमिनाइन करेक्टर भी माना जाता है? वो उनका नेम है रिचार्डसन. रिचार्डसन को माना जाता है द नॉवलिस्ट ऑफ करेक्टर और फर्स्ट नॉवलिस्ट ऑफ फेमिनाइन करेक्टर. Who was known as the man of feeling? Man of feeling किसको बोला जाता है? हेनरी मैकेंजी को द मैन ऑफ फीलिंग बोला जाता है. Who is known as the Plowman's poet? Plowman's poet हैं रॉबर्ट बर्न्स. द नेम ऑफ जॉन किड्स फर्स्ट पोइम इज, जॉन किड ने सबसे फर्स्ट पोइम कौन सी लिखी थी? एंडीमन. हु इज़ द राइटर ऑफ लूसी पोइम्स? लूसी पोइम्स का कलेक्शन है वो किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ. हु वाज़ द ओपियम एडिक्टेड? कॉलरिज, एस टी कॉलरिज. सैमुअल टेलर कॉलरिज वॉज ओपियम एडिक्टेड. हु इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट? तो इंग्लिश एसिस्ट के प्रिंस कौन है? ये है लैम, चार्ल्स लैम इज नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश essays. Who is considered to be the founder of historical novel? Historical novels किसने found किए थे? कौन है founder? Walter Scott. Walter Scott is considered to be the founder of historical novel. Who is known as the father of English socialism? तो किनको father of English socialism बोला जाता है? Robert Owen. Robert Owen is known as the father of English socialism. Who is originated the term grand style? तो किन्नों ने ये originate की थी term grand style? ये की थी Arnold, Matthew Arnold ने, जो Victorian era के बहुत ही great critic हैं. उन्होंने grand style term originate की थी. Which poet who was also painter led the pre-Raphaelite movement in art and literature? तो एक वो कौन से poet हैं और वो painter भी थे जिन्होंने pre-Raphaelite movement और art में और literature में शुरू की थी, जलद की थी? D.G. Rosti एक ऐसे poet हैं and painter हैं जिन्होंने pre-Raphaelite movement art में और literature में लेड. द ओरिजिनेटेड ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट चली थी, ये मूवमेंट
किसने ओरिजिनेटर हैं, कौन ओरिजिनेटर है इस मूवमेंट के? केबल। केबल इज नोन एज ओरिजिनेटेड ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। टेनिसन्स फर्स्ट ऑफिशियल पोइम इज आर्ड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ विलिंगटन। तो इनकी टेनिसन की फर्स्ट ऑफिशियल पोइम कौन सी है? Odd on the death of Duke of Wellington. Who is the real advocate of surrealism? तो real advocate कौन है surrealism, ये भी एक term है। Herbert Reed ये real advocate माने जाती हैं surrealism के। Who is a movement poem? Movement poem poet sorry कौन है? Philip Larkin. Sprung rhythm is associated with G.M. Hopkins is associated with the Supreme Rhythm. Who founded the Irish National Literary Society? W.E. Yeats, William Butler Yeats. Who coined the term Imagism? Imagism ये term किसने coined की थी? ये की थी Ezra Pound. Who is the father of American poetry? American poetry के father किनको consider किया जाता है? William Cullen Bryant. Who was the first great writer in Indian English literature? तो first great writer किनको बोला जाता है Indian English literature में? Toru Dutt. Toru Dutt को first great writer माना जाता है English में, English literature में, Indian English literature में. Who is the first Indian to receive Nobel Prize? तो Nobel Prize किस Indian को मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था सबसे पहले Nobel Prize. Who is the first English writer who won the Nobel Prize for Literature? तो कौन थे जिनको first time literature के लिए Nobel Prize मिला था? Rudyard. Rudyard को first time English जो राइटर हैं उनको नॉवल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए. हु मेड अ डिफरेंस बिटवीन अ पोइट्री एंड पोइम? किन्होंने पोइट्री एंड पोइम में डिफरेंस शो किया? कॉलरिज, एस्टी कॉलरिज ने. हु फाउंडेड हिज एकेडमी इन 387 BC? किन्होंने एक अपनी एकेडमी फाउंड की थी 387 BC में? बीसी मीन बिफोर क्राइस्ट, प्लेटो ने. हु कलेक्टेड 10 faults ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर के 10 faults किसने कलेक्ट किए हैं? डॉक्टर जॉनसन. डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के 10 faults कलेक्ट किए हैं. हु इज नोन एज द फर्स्ट साइंस क्रिटिक? साइंस क्रिटिक कौन माने जाते हैं? फर्स्ट साइंस क्रिटिक अरिस्टोटल. अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड हु इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन? आर्नल्ड के अकॉर्डिंग जो एक बहुत ही फेमस ग्रेट क्रिटिक हुए हैं मैथ्यू आर्नल्ड विक्टोरियन एरा के, उन्होंने शेक्सपियर एंड मिल्टन के बाद किनको रैंक किया है? उन्होंने किया है वर्ड्सवर्थ को. हु इंट्रोड्यूस द हिस्टोरिकल एलिमेंट इन क्रिटिसिज्म? हिस्टोरिकल एलिमेंट इन क्रिटिसिज्म किसने इंट्रोड्यूस किए हैं? डॉक्टर जॉनसन ने. हु कॉइन्ड द टर्म न्यू हिस्टोरिसिज्म? न्यू हिस्टोरिसिज्म ये जो टर्म है ये किसने कॉइन्ड की है? ये टर्म की ये है कॉइन्ड स्टेफन ग्रीनब्लैट ने. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. मैं बस आपको ये भी एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई फॉल्ट लगता है, कोई कमी लगती है, तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए. अगर आपको पसंद है ये, हेल्पफुल लगी, तो लाइक बटन दबाएं. और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग.